ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, आप आपके पास में राइट हैंड का ऑप्शन है, दवाई एक बार राइट हैंड को। अब यहाँ पे चीज नोटिस करोगे आप, किसी ने किसी अल्फाबेट के नीचे एक अंडरस्कोर का साइन होगा है, जिसके नीचे साइन है आप उस बटन को दबा के देखिए, जैसे ये नेम है तो इसके लिए किसके नीचे साइन है, एम के, एम का बटन दबा के देखिए। राइट से नहीं है, उससे करोगे उसी से आएगी, राइट बटन से एम दबाओगे ना सर, राइट बटन दबाइए, एम दबाइए आप, काम कर गया। तो ये जो अंडरस्कोर का बटन है ना, जो काम है वो यही है, आप उसको और भी मास्टरली काम कर सकते हो, जिस बटन के लिए जो सिंबल होगा उस बटन को दबा दोगे तो डायरेक्टली मेरे पे काम करेगा, ये आपके वर्क को और भी इजी बना देगा। इसको अगर हम कट करना है तो कट टी से कट हो जाएगा, टी से कॉपी हो जाएगा, बिल्कुल सी एस पेस्ट हो जाएगा, इसको अगर हम सपोज हमने सी कर दिया यहां पे, सी कर दिया कॉपी और राइट बटन दबाओ, क्योंकि पेस्ट करने पे क्या करते हैं राइट बटन दबाते हैं ना, तो राइट इस पे राइट नहीं दबाना है आपको, क्लिक कीजिए बाहर और राइट दबाइए, उसी का राइट बटन दबाइए सर, अच्छा ये दबा दीजिए तो वैसे काम कर जाएगा। तो वो आपके एक तरीके हैं, पता नहीं सर आप काम नहीं आया, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं सिर्फ वहां पे लेके जाओ, आप उस बटन को दबा दो, ये जरूरी नहीं होता कि वहां पे लेके जा रहे हो, अच्छा हाँ दबा दी, अब उसके बाद फिर राइट बटन दबाओगे, राइट बटन उसका नहीं सर, कीबोर्ड पे राइट, कीबोर्ड पे राइट, इसको हटाना पड़ेगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा सर, सर इसी के अंदर पेस्ट हो जाओ, जैसे आप मूव करोगे ना कर्सर को कंट्रोल के साथ, बिना कंट्रोल के तो वो अनसेलेक्ट हो जाता है, फिर राइट बटन दबाओगे ना तो वो काम कर जाएगा। अभी तो सर आप पेस्ट करोगे ना, सी ले लिया अभी हमने, हां इसके बाद में बाहर से कर्सर ले जाए तो साइड पे नहीं कर सकते, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट कर दीजिए, वही बटन दबाइए राइट का, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल की कर देना, कंट्रोल की दोबारा से करना, राइट क्लिक वो सिलेक्टेड है ना, और सर इस फोटो के अंदर हां अब कर दिया, पेस्ट की गया राइट, ठीक है ठीक है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तभी ये भाई ये अब कर दिया, नहीं आ रहा, इसको स्पॉटर को करना है, सर हो जाता है ऐसे उठता है शायद, आप कुछ इसको प्रॉब्लम आप करके देखिए, आप इसके लगे देखिए ठीक है, और हां कुछ बोल रहे थे आप सर, आप ही कटिए सॉफ्टवेयर में शॉप कराऊँ, नहीं आप आ जाइए सर, हाँ सर आप आ जाइए, उसे नाम पूछ रहा था किस, जैसे कि आप सर ये पार्ट के लोग जैसे मैं कुछ रेड मैं मल्टीपल करता हूँ, इसका नाम क्या क्या कहते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन मोड और सिंगल सिलेक्शन मोड, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिलेक्शन का काम होता है, मल्टीपल सिलेक्शन याद करो ना आराम से, सौ पास नहीं मैं देख रहा था, जैसे कि मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर ली ठीक है, मुझे सिर्फ तीन फाइलों छोड़ के मतलब कि दो फाइलों छोड़ के सारी चाहिए मुझे, तो मैंने बता दिया ना क्या करना, हाँ इसके बाद बारे में
इनवर्ट सेलेक्शन भी सेलेक्शन भी अवॉर्ड करना होगा अच्छा वो टिकट दूसरा सेलेक्शन करना और इनवर्ट कर देगा उसको देगा बाकी बाकी सेलेक्शन करेगा उसे तुझे सेलेक्शन लेआउट के अंदर इनवर्ट सेलेक्शन आपका सर काम ये है सर आपको एक पेन ड्राइव देंगे और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो इस सिस्टम में नहीं है ओपन ऑफिस का आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजिएगा क्योंकि आपके रहने सर आपकी बहुत मदद करेंगे इसको क्लोज कीजिए सर आप पहले तो सर जी आप इसको बंद कीजिए इस बॉक्स को क्लोज कीजिए इस विंडो को भी क्लोज कीजिए इसको भी कीजिए अब मुझे ये बताइए जो आपने पेन ड्राइव लगाई है वो आपको कहाँ मिलेगी आपने जो पेन ड्राइव प्लगिंग की है वो पेन ड्राइव आपको कहाँ पे मिलेगी मिलेगी सोचिए आराम से कीजिए अच्छा एक बात बताइए डी ड्राइव ई ड्राइव सी ड्राइव ये कहां पे होती है अब जो आपको कैसे पता लगे कि जो आपकी पेन ड्राइव है वो कौन सी है कौन सी आपकी पेन ड्राइव सर आप बताइए आप इसमें कैसे बताओगे कि आपकी कौन सी पेन ड्राइव है अगर मैं ऑप्शन यहाँ से वो बंद कर दूं तो आप इसके व्यू को भी चेंज कर सकते हो ठीक है तो आपको ये साइज उसमें दिखाई नहीं देगा तो आप कैसे बताओगे ऐसे ही कुछ नहीं एक तो लॉजिक है इसमें क्वेश्चन एक लॉजिक है जिसे आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी पेन ड्राइव है आपकी अब बताइए राइट की बताइए ऐसे बताइए कि इसमें कौन सी पेन ड्राइव है आप सर लोगों की बहुत डिस्कशन होती है नहीं चलो अब आपसे नहीं पूछना शिवानी इसमें मुझे ये बताओ इसमें पेन ड्राइव की ड्राइव कौन सी है किसने बोला टर्न खत्म होने के बाद कभी नहीं बोलोगे ठीक है मुझे बताओ कौन सी है इसमें पेन ड्राइव इसमें भी लॉजिक है मैंने स्टडी में कंफ्यूजन कराई थी ना तब भी वहां पे कुछ बताया था ज्योति आप बताइए सही कहाँ पे हो क्लास में पूरे ठीक है क्वेश्चन ये था मेरा इसमें कौन सी ड्राइव आपकी पेन ड्राइव की है
उनको भी शेयर वार्निंग दी थी मैंने कि टर्न खत्म होने के बाद नहीं बताओगे भाई ओके गुड ये पूछने के लिए पता चला है किस नाम से हम पहचानेंगे तेज बोलते हो ये जो नाम दिखाई दे रहा है ना इससे आइडेंटिफाई करो ठीक है वैसे रिमूव कर सकते हो लोकल डिस्क जो होगी सिस्टम के पार्टीशन होंगे ना वो हमेशा इस नाम से या फिर आप जो नाम लोगे उससे आएंगे स्पेल नाम चेंज कर सकते हो ठीक है बट एक्चुअली में यही होता है और वो चीज इसके अंडर आती है क्योंकि आप इसे सिस्टम से रिमूव कर सकते हो अगर हम दो पेन ड्राइव बाई चांस एक साथ यूज कर रहे हैं तो क्या इसके साथ अलग करेगा इसके साथ अलग शुरू करेगा नाम यही होगा ड्राइव ड्राइव चेंज हो जाएगा या फिर आपके पेन ड्राइव में जो नाम होगा वो नाम होगा उस नाम से आएगा लेकिन लेटर से नहीं हो सकते यहाँ पे जितने भी ड्राइव आप यूज करोगे लेटर सबके डिफरेंट असाइन होंगे और ए भी असाइन होंगे जैसा कि अभी सर जैसा दो कंडक्टर लगी हैं और दोनों को कोई नाम नहीं है और सेम कैपेसिटी की जैसे बाकी जगह की चली है तो और लेटर तो चुके हैं वो उससे कोई पहचान कोई खास नहीं हो पाती तो फिर कैसे इस तरह से देख कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पर है मैं जा रहा हूँ अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ा ठीक है इसको मिसाल ना वो देख रहा हूँ ठीक है जब पता है ये वाला बटन वही 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 नाम भी नहीं है उसमें लेटर किसी तो कोई खास पहचान होनी